पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली एनडीए से लड़ने के लिए जिस तरह की तैयारी की गई थी बिहार में, और बिहार की तैयारी ने देश भर में जिस तरह से एक माहौल बनाया था, वो अब ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जो अभी भी नजर आ रही हैं। सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार के बाहर निकलने के बाद महागठबंधन में असमंजस की स्थिति आ गई, जो साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि लालू प्रसाद ने अपने हाथ में सारा कमान ले लिया है, और लालू प्रसाद कोई पहली बार कमान नहीं लिए हैं। 90 के दशक में आपको याद होगा कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से MY समीकरण का स्टार्ट किया था, और एक MY समीकरण को लेकर के कांग्रेस को मात दिया था। उसके बाद कई ऐसे नेता पैदा हुए जो MY समीकरण के साथ या MY समीकरण के बाहर थे। पप्पू यादव, आनंद मोहन, शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, सूरज बान जैसे नेताओं का दस्तक इसी दौर में हुआ था, और ये सभी इनमें से कई हैं जो अभी भी बिहार की राजनीति को डोमिनेट करते हैं। उन्हीं में एक नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। पप्पू यादव की अच्छी पकड़ बताई जाती है लोगों के बीच में, और सीमांचल कोसी के क्षेत्र में उन्होंने कई बार जीत भी हासिल की है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज और कटिहार के इलाके में कहीं ना कहीं पप्पू यादव की एक अच्छी छवि रही है, या चाहे उस जिस कारण से भी हो, लेकिन रॉबिनहुड वाली छवि उनकी अभी भी बरकरार है। चाहे वो पटना में बाढ़ हो या फिर अन्य तरह की समस्याएं, पप्पू यादव वहां हाजिर हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो गई कि एक लंबे समय के बाद पिछले 5 सालों से पप्पू यादव तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिला। जनता उन्हें प्यार तो बहुत करती है, लेकिन जब चुनाव की घड़ी आती है तो उनको पीछे छोड़ देती है। लेकिन इस बार एक समीकरण बना जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया, और विलय करने से पहले वो जाकर के मिले थे लालू प्रसाद यादव से। लालू प्रसाद से मिलने के बाद जो बातें सामने आई, उसने स्पष्ट कर दिया कि उसके ठीक दूसरे दिन दिल्ली में जाकर के वो कांग्रेस की सदस्यता ले लेते हैं, अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं। उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो जाती है कि प्रणाम पूर्णिया लेकर के जो कार्यक्रम चल रहे थे, अब पूर्णिया में वो एक छत्र महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। लेकिन इन सब के बाद कभी लालू प्रसाद यादव के काफी करीब रहने के कारण किसी जमाने में पप्पू यादव को लालू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके ये दूरियां बढ़ती चली गई। पप्पू यादव सियासत के मैदान में अकेले पड़ गए, और उसके बाद उन्होंने 2015 में अपनी अलग जनाधिकार पार्टी बनाई थी। इसके बाद से तो पप्पू यादव लालू प्रसाद के आंख की किरकिरी हो गए। आपको बता दें कि जब जब पप्पू यादव का नाम आया, तब तब मुंह नाक सिकोड़ते रहे हैं लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य। लेकिन अचानक से उनका सियासी सफर जो शुरू होता है, वो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद के रूप में जीत करके आते हैं, लेकिन जो स्थितियां बनी है उसमें पप्पू यादव कहीं ना कहीं एक कारण बन जाते हैं वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस और RJD के बीच टकराव के। ये कहा जाता है कि पप्पू यादव या कांग्रेस बिना सीट शेयरिंग के ही लोगों को सिंबल बांटना शुरू कर देती है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आती है कि कांग्रेस में पप्पू यादव के आने के बाद परिस्थितियां क्या बदलेंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चर्चाएं जो हैं वो खूब इस बात को लेकर के है कि पप्पू यादव के आने से बिहार में कांग्रेस जो है वो मजबूत हो रही है। पूर्णिया में अगर चर्चा की बात करें तो संपादक नमन मिश्रा जी ने जिस तरह से कई राउंड पूर्णिया के लोगों से बातचीत किया, और इस बीच में पप्पू यादव सहित वहां के स्थानीय सांसद संतोष कुशवाहा हो या वहां के विधायक हो या इसके अलावा दुलाल चंद गोस्वामी कटिहार के सांसद हो, इन सभी लोगों से बातचीत किया था सीमांचल मीट में। उसके बाद ये बातें खुलकर के सामने आई थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। प्रणाम पूर्णिया से उन्होंने कार्यक्रम भी किया और अच्छा खासा भीड़ जुटा करके उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। अंततः वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिए, और ये तय माना जा रहा था कि पप्पू यादव को कहीं ना कहीं अब इस बात की चिंता नहीं करनी है, टिकट की और सिंबल की चिंता नहीं करनी है, वो पूर्णिया चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अचानक से बीमा भारती का पदार्पण होता है, और जो पप्पू यादव लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात करके कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, उनका टिकट कटने की उम्मीदें बहुत तेज हो जाती है। चर्चाएं खूब होने लगती हैं कि पप्पू यादव के कारण कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संबंध खराब हो गए हैं। बीमा भारती को ज्वाइन कराया जाता है, और बीमा भारती को लेकर के कहा यह जाने लगता है, बीमा भारती भी ताल ठोकती है कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले भी बीमा भारती ने इस तरह की बातें सामने रखी थी।
अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लालू के साथ पप्पू यादव की एक बार फिर से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें फिर से एक दरार आ रहा है। जानकार तो ये भी बताते हैं या हमने जो चीजें देखी है उसमें साफ लग रहा है कि कमजोर कांग्रेस कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए वो कुशन है जिस पर चढ़ करके वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच में जो सामने से नजर आ रहा है वो साफ बता रहा है कि पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच में एक दीवार जरूर खींच गई है। इन दीवारों के बीच में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और उनके पूरे परिवार के लोग दिल्ली गए हुए हैं। क्या फैसला निकल करके सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से पप्पू यादव को लेकर के चर्चाएं चल रही थी पप्पू यादव की उम्मीदवारी पर, ऐसा लगता है कि दिल्ली में बात बन गई है, क्योंकि बीमा भारती को अब तक सिंबल नहीं दिया जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मामला सलट गया है। और जो कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि कांग्रेस को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया है। अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आधिकारिक घोषणा होने तक हमें भी इंतजार है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।